बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो डिप्यूटी सीएम, माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या? क्या हम चुप बैठेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति टूट गई, वो भी महाराज के किले 7 महीने, ये तो हमारा अधिकार है, आप हमें रोक नहीं सकते, चाहे आप हमें अरेस्ट कर, आप महाराष्ट्र के खलनायक है और रहेंगे हमेशा, इतिहास में आपका नाम महाराष्ट्र के खलनायक के तौर पर रहेगा। यही तो समस्या है इस महाराष्ट्र में। ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो डिप्यूटी सीएम, माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या? महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीर है, उनको व्यक्त होने दो, क्या हम चुप बैठेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति टूट गई, वो भी महाराज के किले 7 महीने, और हम चुप बैठे? जनता महाराष्ट्र की नामर्द है, जनता इस महाराष्ट्र की, तो हमको एक आंदोलन करना है डेमोक्रेटिक तरीके से। लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम आंदोलन कर सकते हैं कहां, लेकिन हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में हम हमारी भावना व्यक्त करने के लिए आज वहां इकट्ठा हो रहे हैं, हमको रोका जा रहा है। फिर भी माननीय शरद पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, नाना पटोले जी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के सभी नेता, हजारों कार्यकर्ता आज वहाँ हुतात्मा स्मारक जो है वहाँ इकट्ठा हो गए, और गेटवे ऑफ इंडिया पर जो शिवाजी महाराज का स्टैचू है वहाँ जाएंगे। ये तो हमारा अधिकार है, आप हमें रोक नहीं सकते, चाहे आप हमें अरेस्ट कर, आपके हाथ में पुलिस है, देवेंद्र फडणवीस जी आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, आपको यही करना है, आप कर लीजिए, आप महाराष्ट्र के खलनायक है और रहेंगे हमेशा, इतिहास में आपका नाम महाराष्ट्र के खलनायक के तौर पर रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।